सोलर सिस्टम आप लगाना चाहते हैं तो 2024 से सोलर सिस्टम आपको काफी सस्ते रेटों में लग जाएगा। अब यहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आप लेते हैं, कि अगर आपके यहाँ लाइट अच्छी आती है और ज़्यादातर लाइट आती रहती है, कट बहुत कम होता है, तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ही भारी भरकम सब्सिडी आपको देखने को मिलती है। इस वीडियो में जानेंगे कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और कितना आपका खर्चा आएगा। 2 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट। अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी भी देती है। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएंगे 2 किलोवाट का, तो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको 30,000 रुपये पर किलोवाट आपको सब्सिडी मिलेगी। अब 30,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से अगर आप 2 किलोवाट का जोड़ते हैं तो 60,000 रुपये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, जो कि 15 दिन से लेकर, मतलब आप ये मानिए 1 हफ्ते या 45 दिन के आसपास तक आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाती है। तो 45 दिन आप मान के चलिए मैक्सिमम, 45 दिन के आसपास आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगी सब्सिडी। और यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट 60,000 रुपये सब्सिडी 2 किलोवाट पर दे रही है। और यहीं पर अगर आप 3 किलोवाट लगाना चाहते हैं, 3 किलोवाट पर और आपको 18,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम आपको सब्सिडी 78,000 रुपये ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, चाहे आप 3 किलोवाट का लगाएं या फिर उससे ऊपर का लगाएं। 5 किलोवाट का लगाते हैं तब भी आपको सब्सिडी इतनी मिलेगी, 10 किलोवाट का लगाते हैं तब भी इतनी मिलेगी, तो मैक्सिमम सब्सिडी आपको 78,000 रुपये ही मिलेगी। तो 78,000 रुपये आपको 3 किलोवाट पर सब्सिडी मिली है, 2 किलोवाट पर आपको 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। तो ये तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी। अब बात करते हैं, अगर आप यूपी में रहने वाले हैं, यूपी में अगर आप सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो यूपी में आपको 15,000 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलती है। 15,000 रुपये पर वाट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2 किलोवाट की 30,000 रुपये होगी और मैक्सिमम सब्सिडी आपको 30,000 रुपये ही मिलेगी, चाहे आप सिस्टम कितना ही बड़ा लगा लें, आपको मैक्सिमम सब्सिडी ओनली 30,000 रुपये ही मिलेगी। तो अगर हम जैसे कि बात करें 2 किलोवाट की, तो 2 किलोवाट पर आपको 60,000 रुपये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और 30,000 रुपये यूपी गवर्नमेंट की होगी, तो टोटल मिलाकर सब्सिडी 90,000 रुपये आपको मिलेगी। 60,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से खर्चा आता है, तो 2 किलोवाट का करीब 1,20,000 1,25,000 के आसपास आपका खर्चा आएगा। और इसमें से अगर आप 90,000 रुपये सब्सिडी, अगर आप यूपी में हैं तो 90,000, और यूपी से अलग किसी स्टेट में है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की 60,000 मिलेगी, और प्लस जो भी आपके स्टेट के हिसाब से अगर कोई सब्सिडी स्कीम चली हुई है तो उसके हिसाब से आपको प्लस होकर वो मिलेगी। तो हम मान के चलते हैं अगर आप यूपी के बाहर हैं, यूपी के बाहर लगाना चाहते हैं, तो आपको 60,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है और 1,20,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 60,000 या 65,000 रुपये अपनी जेब से लगाने होंगे। और अगर आप यूपी में रहते हैं, यूपी में आप इस सिस्टम को लगाना चाहते हैं, तो आपको मात्र 30,000 या 35,000 रुपये ही आपको जेब से खर्च करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन 2 किलोवाट का होना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आपको कनेक्शन कराना होगा, 2 किलोवाट का कनेक्शन कराना होगा, तभी आप 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगा सकते हैं। अगर आपको 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना, तो आपको पहले 3 किलोवाट की आपको कनेक्शन लेना होगा, 3 किलोवाट आपका कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही आप 3 किलोवाट उसमें सिस्टम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यहाँ पर 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए, ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कितनी कितनी सब्सिडी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।